हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेके, जो कि रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए सेकेंड सेमेस्टर। टोटल पेपर जो नंबर है वो है 100 मार्क्स, जिसके अंदर एक्सटर्नल पेपर जो है 60 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होती है। तीन सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और ये सेक्शन ए जो है टोटल 20 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी के अंदर से 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। उसी तरह सेक्शन सी के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और वहां पे भी ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। उसी तरह इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरी ऐप एडुसम ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है, डेट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योर, मैस्लोस नीड हायरार्की, मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई, ग्रुप डायनामिक्स, ओबी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप बिहेवियर मॉडल एंड स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजन। तो इसके अंदर से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह इसके साथ मैं अपनी प्लेलिस्ट भी जो है बीओएमपी की अटैच कर दूंगी, और उसी की तरह क्या है कि दोबारा से भी क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो उसी तरह सेक्शन ए के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने इसका आंसर डाला हुआ है। इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल थिंकिंग, हाउ डिड द बिहेवियर साइंटिस्ट मॉडिफाई द बेसिक फाइंडिंग ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट्स। कॉम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस दिस एंड ब्रिंग आउट द प्रोसेस ऑफ कॉम्युनिकेशन। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर एज फाइनेंशियल वन। क्रिटिकल एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस वेरियस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड देयर रोल इन मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है उनको बताना है, उसको कंपेयर करना है। असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इसके अंदर से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी के अंदर से भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रेफरेबल टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे अपने ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है किस तरह से ये बेटर है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से। Describe some of the learned characteristics of the individual. Do these characteristics of change with the change in the environment situation? Which of these traits are formed early in years? Which of these traits are formed early in years and how difficult is it to change them? What do you understand by values? What are the values important to study organizational behavior? What is organizational behavior? What is its scope? What is the necessity of studying the subject of organization behavior?